ईद के बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले मेरे को शिफा कसगावनकवी का एक शेर याद आता है कि चलो चलो कि रोते हुओं को हंसा के ईद मनाएं, किसी के दर्द को अपना बना के ईद मनाएं। तो पूरा मकसद यही है कि कोई भी तीज त्यौहार कुछ भी हो, भी आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी सेक्शन से हैं, आप किसी भी फिरके से आते हैं, चाहे आप शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, बीट आप कोई भी हैं, आप किसी और रिलीजन से भी आते हैं, तो ईद हुआ, दिवाली हुई, ये सब त्यौहार लोगों को इकट्ठा करने के लिए हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जितना हो सके खुशी से ईद मनाएं, और अपने लोगों में, अपने आसपास के लोगों में, अपने आस पड़ोस में, गरीबों में एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि अभी कहीं ना कहीं इंसान जिंदा है, अभी हम लोगों में इंसानियत बची है, और उसके लिए हमारे पास यही दो चार गिने चुने मौके आते हैं, त्योहारों पर हम दिखा सकते हैं, क्योंकि रोज़ की ज़िंदगी में आप इंसानियत डेली नहीं दिखा सकते, आपको ऐसे त्योहारों पर आप दिखा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को, न्यूज़ 18 के पूरे परिवार को और आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, ईद की पुरखलूस मुबारकबाद, आप सब लोग खुश रहें, जिंदाबाद रहें, बहुत बहुत जी। देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और शांतिपूर्ण, और पूरे देश में जो है ना ईद की बहुत बहुत धूमधाम से मनाई जाए, बस यही दिल से शुभकामनाएं। सद्भाव और सौहार्द बना रहे कोई भी आप धर्म से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमको तो सिर्फ आपका फरमान चाहिए। मैं एक शेर सुना रहा हूँ आपको। हमको तो सिर्फ आपका एक फरमान चाहिए, हाजिर है मेरी जान अगर जान चाहिए, हिंदू ही चाहिए ना मुसलमान चाहिए, मेरे वतन को सिर्फ एक इंसान चाहिए। कैसा लगा? मस्त। डोंट वरी, समथिंग इज बेटर देन थिंग ऑल ओवर इंडिया। ईद बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाती है, गणेश उत्सव मनाया जाता है, दुर्गा जी का त्यौहार मनाया जाता है। अपने तो राजधानी के अंदर तो कोई त्यौहार ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मने, सारे बड़े बड़े ही मनते हैं और अच्छे मनते हैं, वो कोई दंगा फसाद नहीं होता यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में भोपाल ऐसा शहर है, यहाँ दंग फसाद नहीं होते हैं और बढ़िया त्यौहार मनते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के पास आते हैं और जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते भी हैं, ठीक है ना? ओके बाय। मंसूर खान भाई, ईद की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, है ना? हमारे जितने भी भोपाल के वासी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा जो टिम्बर हेड चाय की दुकान है यहाँ पे, आप सबको न्योता है, सब आइए यहाँ पे। भोपाल में नॉर्मल ईद हर जगह एक ही तरीके से मनती है, सुबह सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कुर्बानी करते हैं, और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सब लोग आते हैं घर पे, खाना खाते हैं साथ, बस। मेरा नाम समीर है जी, बोलिए। सर, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो पूरे देश को, और 29 को हमारी ईद है, थर्सडे के दिन। तो नमाज़ पढ़ते हैं, आते हैं, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद जो हमारे अजीज़ अकारीब रिश्तेदार हैं, हम उनमें जो है वो गोश्त तकसीम करते हैं, और जो रिश्तेदार हैं हमारे वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, और हम उनको खाना खिलाते हैं, वो हमें खिलाते हैं। ईद उल अज़हा मुस्लिम समुदाय के लिए एक विशेष त्यौहार के रूप में माना जाता है। मैं आपको बता लूँ, ईद उल अज़हा में कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी सिर्फ बकरे या जानवर की नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी अपने अंदर जो ऐब छुपे हुए हैं कुर्बानी उसकी होनी चाहिए, जो ईर्ष्या छुपी हुई है कुर्बानी उसकी होनी चाहिए, कुर्बानी उसकी होनी चाहिए जो आप दूसरों से जलन रखते हैं, दूसरों की तरक्कियों से जलते हैं, कुर्बानी उसकी होनी चाहिए, लोगों के बारे में आप बुरा जो सोचते हैं कुर्बानी उसकी होनी चाहिए। कुर्बानी के मौके पर तमाम मुस्लिम समुदाय भारत देश में, तमाम गंगा जमुनी तहजीब के जो लोग यहाँ पर निवासरत है, उन तमाम भारतवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप तरक्की करें, ईद उल अज़हा के मौके पर आप तमाम बुराइयों से, तमाम बुराइयों की कुर्बानी करें, और देश के लिए दुआएं करें, यही कहना चाहूँगा।